शादी के 6 साल बाद ही नीलेश और उसकी पत्नी के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वे तलाक के लिए अदालत जा पहुँचे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने दोबारा साथ रहने का फैसला कर लिया। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी साथ बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। संसार की दृष्टि में हम आदर्श युगल थे, प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत होता था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था, तब आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली बातें थीं। इन मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बड़ी घटना में ननद ने बदल दिया। नीलेश ने आव देखा न ताव, जड़ दिए 2 थप्पड़ मेरे गाल पर। मुझसे यह अपमान नहीं सहा गया, यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मैं सिर्फ जरूरत थी। सास को मेरे आने से अपनी सत्ता हिलती लगी थी, इसलिए रोज एक नया बखेड़ा। नीलेश को मुझसे ज्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ तथा एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह आया देखकर माता पिता सत्ते में आ गए। बहुत समझाने की कोशिश की मुझे, पर मैंने तो अलग होने का मन बना लिया था। अत मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज कर दिए गए। चाहते तो मामले को रफादफा भी किया जा सकता था, पर नीलेश ने इसे अपनी तौहीन समझा। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन भी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि ऐसी औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृत्ति ब्याज की तरह बढ़ती हैं। अत दोनों तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों की कबड्डी खेल रहे हैं। नीलेश ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कही। नीलेश ने मुझ पर चरित्रहीनता का, तो हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथों में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल हम पति पत्नी अलग रहे थे और इन 2 सालों में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी, बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से ही किसी ने भी अपने बच्चे की मनोस्थिति नहीं पढ़ी। बेटा हमारे अलग होने के फैसले से खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था तो वह चुप था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि हमें क्या कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पहले उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी, धीरे धीरे यह संख्या घटने लगी। नीलेश की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, दोनों के वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं चुप थी, नीलेश भी खामोश। यह महज इत्तफाक ही था। उस दिन की अदालत की फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर से थी। अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल में बैठे थे। यह भी महज इत्तफाक ही था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहते हो वही होने को है, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रही थी। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी, नीलेश बोला। मुझसे रहा नहीं गया, बोली, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? नीलेश बोले, तुम बताओ। मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला, मेरी आवाज़ सपाट थी। न दुख न गुस्सा, नीलेश ने कहा,
जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही, नीलेश को एक बार देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, मैं नीलेश की ओर देखते हुए बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। तभी चाय आ गई, मैंने चाय उठाई, चाय जरा सी छलकी, गरम चाय मेरे हाथ पर गिरी तो सीसी की आवाज निकली। नीलेश के मुंह से उसी क्षण उफ की आवाज निकली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है, नीलेश का पूछना थोड़ा अजीब लगा। ऐसा ही है, और बात खत्म करनी चाहिए। तुम्हारे हार्ट की क्या कंडीशन है, फिर अटैक तो नहीं पड़ा, मैंने पूछा। हार्ट डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, नीलेश ने जानकारी दी। एक दूसरे को देखा, देखते रहे एक तक जैसे एक दूसरे के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हों। दवा तो लेते रहते हो न, मैंने नीलेश के चेहरे से नजरें हटा पूछा। हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, नीलेश ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं, बरबस ही हमदर्द लहजे में कहा। हाँ कुछ इस वजह से, और कुछ कहते कहते वे रुक गए। कुछ तनाव के कारण, मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें 15 लाख रुपए देने हैं और 20,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर मैंने पूछा, नोएडा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 15 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है, नीलेश ने अपने मन की बात कही। नोएडा वाले फ्लैट की कीमत तो 30 लाख होगी, मुझे सिर्फ 15 लाख चाहिए, मैंने अपनी बात स्पष्ट की। बेटा बड़ा होगा, 100 खर्च होते हैं, वे बोले। वह तो तुम 20,000 महीना मुझे देते रहोगे, मैं बोली। हाँ जरूर दूंगा, 15 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, मेरी आवाज में पुराने संबंधों की गर्द थी। वे मेरा चेहरा देखते रहे, मैं नीलेश को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव है इनका, जो कभी मेरे थे कितने अच्छे हैं। मैं ही खोट निकालती रही, शायद नीलेश भी यही सोच रहे थे। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, यह करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, नीलेश की आवाज में झिझक थी। कहो, मैंने सजल आंखों से उन्हें देखा। डरता हूँ, नीलेश ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, तुम्हारी बहुत याद आती रही, वे बोले। तुम भी, मैं एकदम बोली, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, तुरंत मैंने भी कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थीं, दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, नीलेश ने पूछा। कौन सा मोड़, पूछ ही बैठी। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, यह अर्जी, मैंने पूछा। फाड़ देते हैं, नीलेश ने कहा, और अपने अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कराए। दोनों पक्षों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए। सबसे पहले हम दोनों मेरे घर आए, माता पिता से आशीर्वाद लिया। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि थी, 2 साल बाद माम पापा को इतना खुश देखा था। फिर हम बेटे के साथ इनके घर, हमारे घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था, 2 दोस्तों का था, चल दिए। वक्त बदल गया और हालात भी। कल भी हम थे और आज भी हम ही, पर अब किसी कड़वाहट की जगह नहीं। यह सुधरा संबंध है, पति पत्नी के रिश्ते से भी कुछ ज्यादा खास।